अभी तक किसी का लोन माफ हुआ नहीं हुआ। लोग झूठी अफवाह उड़ा करके किसानों का मजाक उड़ाते हैं। मैं हूं महेंद्र कुमार, टच गुरु यूट्यूब से। लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को जज्बात से खेलते हैं। क्यों? अभी तक तो किसी भी किसान का लोन माफ नहीं हुआ है। बीच में अफवाह उड़ी थी कि 25 तारीख को लोन माफ हो जाएगा, फिर 25 28 तारीख को आया लोन माफ हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं हुआ। लोग इतनी झूठी अफवाह उड़ाते हैं कि लोग किसानों के जज्बातों से खेल रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। लोगों ने यूट्यूब को एक मजाक बना दिया है। आजकल लोग यूट्यूब पे देखते हैं लेकिन उसमें कोई भरोसा नहीं करता, सब गालियां देते हैं, बोले झूठ बोल रहा है। किसान लोगों का भी यूट्यूब से भरोसा उठ गया है कि ये यूट्यूब फेक है, फेक न्यूज़ आती है इसमें कि मोदी जी ने कहा था कि लोन माफ़ हो जाएगा। हमने तो आज तक सुना नहीं है, ना टीवी पे कोई घोष किया गया, ना उस पर किया गया कि लोन माफ़ होगा कि नहीं होगा। लेकिन आजकल बैंक वालों ने सबको डंडा ऐसा दे रखा है कि घर आकर बेइज्जती बिगाड़ रहे हैं। इसका कोई समाधान है क्या? हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? खास करके लड़कियों का ज़्यादा फ़ोन आता है और उल्टी सीधी बात करके फ़ोन काट देते हैं। क्यों क्यों परेशान किया जा रहा है लोन धारियों को? आखिर वो अपना ब्याज ले रहे हैं, नहीं दे पा रहे तो अपना ब्याज दे रहे हैं उनका, फिर बोल रहे हैं लीगल नोटिस निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किस बात का? मैंने भी क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये पेटीएम के जरिए निकाले थे। लॉकडाउन होने की वजह से कंपनी बंद हो गई और कंपनी बंद होने की वजह से सैलरी आनी बंद हो गई, जिससे हम पैसा नहीं भर पाए। क्या करें, धीरे धीरे करके वो 28,000 हो गया, यानी कि 18,000 बढ़ गए जो हमने यूज़ भी नहीं किए। और फिर भी बैंक वाले उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, एक ऊपर से ब्याज भी दो, ये उनकी बकवास भी सुनो। क्यों? ये तो गलत बात है। किसान भाइयों, लोनधारी भाइयों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा ही लोग परेशान करते हैं तो सीधा कोर्ट में जाइए और बात करिए। कोर्ट के सारे हथकंडे मैं जानता हूँ। मेरे एक काबिल दोस्त, एक वकील है जो अभी बंगाल में है, उन्होंने मुझे बताया कि NFT करके कोई फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर दीजिए, स्टे लग जाएगा। लेकिन वायरस में ना तो बैंक ने साथ दिया, ना गवर्नमेंट ने साथ दिया। पब्लिक मर रही है, गवर्नमेंट पैसा अपने फायदे के लिए यूज करती है और फिर वह पैसा पब्लिक से निकालती है। क्यों? ना उनके रेडियो लगने देती है, ना कुछ है, उनके कमाई का जरिया बंद कर दिया है। पहले वायरस होने के कारण कमाई का जरिया बंद था, और जब वायरस खुला थोड़ा बहुत, जब कमाने का जरिया आया, तो मंत्री लोगों ने उनको डंडा दे दिया कि हाँ रेडियो नहीं लगेगी, जबकि वहाँ काफ़ी टाइम से रेडियो लग रही है। ये तो सरासर धांधली है। मेरी सभी से गुजारिश है कि सब इकट्ठा होकर के एक FIR दर्ज करवा दो। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।